हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स 2 के लिए इम्पोर्टेंस। अभी जबकि एंड सेमेस्टर एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं तो मैं सोच रहा था आप लोग को थोड़ा इम्पोर्टेंस ही दे दूं। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बाकी है, बहुत सारे वीडियोज आने भी वाले हैं, उन वीडियोज के लिए थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा। तब तक हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेते सब चैप्टर्स का। जैसे जैसे वीडियोज आते जाएंगे वैसे वैसे अगर कुछ टॉपिक्स पढ़े नहीं है और जो इम्पोर्टेंस में दिख रहा है वो वहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मॉड्यूल वाइज मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिस्ट किए हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने मार्क किए हुए, ये मैंने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख के बनाए। इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ थियोरी है। जैसे मैंने अगर NUM लिखा है या THET या D लिखा है उसके, वो है न्यूमेरिकल्स, थियोरी क्वेश्चन आते हैं उस पर, और डी से डेरिवेशन। ठीक है, और जो ऐसे स्टार किए हुए हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल 1, थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स पे आते हैं डेरिवेशन जिसके। अब थिन फिल्म्स के ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, उसके मैक्सिमम मिनिमा के ज्यादा, मैक्सिमम मिनिमा तक उसके डेरिवेशन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा पढ़ के जाना। नेक्स्ट आएगा वेज शेप फिल्म्स। ऑप्टिकल फ्लैटनेस पे न्यूमेरिकल जाने वाले बहुत सारे, पेपर्स में देखा गया है कि ऑप्टिकल फ्लैटनेस के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में न्यूमेरिकल भी है, थियरी भी आते हैं, और उसका उसका जो डेरिवेशन है, न्यूटन्स रिंग का मेन डेरिवेशन है जो रिंग्स फॉर्मेशन का, वो मेन आने वाला है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ये इसका एक एक्स्ट्रा सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, कम मार्क्स के लिए ऑब्वियसली, लेकिन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स रिंग के न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे ही सही, वो थियरी के साथ कंबाइन होके आते। अब डिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो डिफ्रैक्शन में आएगा फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, जिसका थियरी आएगा ऑफ डिफ्रैक्शन का। 2-3 छोटे क्वेश्चन है आगे है, वो जैसे जैसे डिफ्रैक्शन बताऊंगा वैसे वैसे वो क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट आएगा, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अगर हम लोग इसमें से चूज करना भी होगा, इसको प्रायोरिटी देना होगा ये सब टॉपिक्स में से, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे न्यूमेरिकल्स भी आते, उसका एक थियरी क्वेश्चन भी आते। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, व्हाट आर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फिर एब्सेंस स्पेक्ट्रा, एब्सेंस स्पेक्ट्रा के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद आएगा रेलेस क्राइटेरियन। रेलेस क्राइटेरियन ये इस टॉपिक का थोड़ा एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है। रेलेस क्राइटेरियन के ऊपर एक थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा मॉड्यूल 2 पे लेजर्स। लेजर्स में आएगा टाइप्स ऑफ एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन तो पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर प्रोसेसेस, पंपिंग स्कीम, 3-level 4-level पंपिंग स्कीम, वो सब भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, और ये मैंने लेजर्स के वीडियो में भी बताया था, टाइप्स ऑफ लेजर्स। इनमें से 2 लेजर बहुत ज्यादा बार पूछे गए, वो है हीलियम नियॉन और NDYAG। सेमीकंडक्टर लेजर को इतना नहीं पूछा है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेम चीज मैंने वो वीडियो में भी बताया था कि होलोग्राफी और फोटोग्राफी के बीच में डिफरेंस पूछेंगे, या तो फिर होलोग्राफी के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे होलोग्राफी होता क्या है। डिफरेंस क्या इसमें आएगा कि होलोग्राफी और फोटोग्राफी में डिफरेंस क्या है, और 3D इमेज कैसे मिलता है, वो उसका क्वेश्चन होगा। हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, मॉड्यूल 3। ओके, सो मॉड्यूल 3 में आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें थियोरी क्वेश्चन आएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो स्टार्टिंग का जो डेरिवेशन है वो आएगा। उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर पे थियरी क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे इसका न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये मॉड्यूल के लिए। नेक्स्ट जाएंगे मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन, मल्टी मोड, मोनो मोड, सिंगल मोड वो है, और टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ये दोनों को कंबाइन करके न्यूमेरिकल पूछते हैं हम लोग। जो ग्रेन फाइबर, SI फाइबर, ये सबको कंबाइन करके न्यूमेरिकल पूछेंगे, और उस पर थियरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे थियरी क्वेश्चन वो मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन पे। टाइप्स ऑफ फाइबर्स और मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन को मिला के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा लॉसेस, टाइप्स ऑफ लॉसेस, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे।
इसमें का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बार पूछा गया है दो तीन पेपर्स में, वो है कम्युनिकेशन इन ब्लॉक डायग्राम। कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम थोड़ा पढ़ना है, फिर मॉड्यूल 4 में जाएंगे तो है सिलिंड्रिकल एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है, भले मैंने उसको मार्क नहीं किया पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है। सिलिंड्रिकल एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के थियरी, उसका डेरिवेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेरिवेशन मतलब वॉल्यूम एरिया, ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे आते हैं सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो पूछा गया। प्लस न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, जैसे वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स को मिला के डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एंड कर्ल में सेम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट कर्ल, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट कर्ल, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। डाइवर्जेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसमें थियोरी डेरिवेशन भी आता है डाइवर्जेंस का, प्लस न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स मिक्स करके आता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्टली हर पेपर में पूछा गया है, वो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस गाइस याद से करके जाना, ओके। अब लास्ट के दो मॉड्यूल हमारे, मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जिसमें से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया, वो सीआरओ के ऊपर। बाकी अगर इस मॉड्यूल को आप लोग पढ़ के जाना चाहते हो तो इस मॉड्यूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड क्रॉस फील्ड, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, से मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, मैग्नेटिक वेक्टर ढूंढना है, ये सब इस मॉड्यूल में पूछा जाता है। और ये थोड़ा सा एक या दो पेपर में पढ़ा गया, वो है बीट्स लॉ, जिसका थियोरी आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, मॉड्यूल नंबर 6 सिंपल सा है, लास्ट मॉड्यूल है, सबसे कम टाइम, बॉटम अप टेक्निक, टॉप डाउन टेक्निक, नैनो मटेरियल्स जिसमें से कार्बन नैनो ट्यूब्स बहुत ज्यादा बार पूछे गए, और सिंथेसिस, कार्बन नैनो ट्यूब का सिंथेसिस और उसके प्रॉपर्टीज। अब ये थोड़े एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए, वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और एटॉमिक माइक्रोस्कोप, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पूरे टोटल मॉड्यूल में से, जैसे मॉड्यूल है उसमें से, जरा उस पर भी थोड़ा ध्यान देके जाना। बस गाइस ये था इंपॉर्टेंस इस एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जो भी ये देख के जा रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट इस एग्जाम्स के लिए। और बाकी के जो फिजिक्स 2 के वीडियोस है उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं बाकी के वीडियोस बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, प्लीज उसको यूज करिए और अच्छे मार्क्स लेके आना। थैंक यू।